अ वेरी ह्यूज प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड आज के डेट में है कि भाई कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं है। कई लोग इसके सपोर्ट में हैं कि भाई वैक्सीन बोल के, बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि वैक्सीन आ जाए, सब इम्यूनाइज हो जाएं जितने हो सके, एंड देन वी कैन नॉर्मलाइज एवरीथिंग। बट कई सारे लोग हैं जो इसके खिलाफ भी हैं। पीपल आर अगेंस्ट वैक्सीनेशन एंड दे हैव देयर ओन कॉन्सेप्ट, दे हैव देयर ओन बिलीव्स कि भाई वैक्सीन कॉज साइड इफेक्ट्स, वैक्सीन जो है उनके साइड इफेक्ट्स हैं एंड दे आर नॉट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट, राइट। सो इस बात को थोड़ा सा हम अगर आगे सोचें कि क्या एक्चुअल साइड इफेक्ट्स हैं वैक्सीन के, चाहे वो एक मात्र हमारी बहुत कॉमन BCG वैक्सीन हो या एक नई आने वाली कोरोना की वैक्सीन हो, H1N1 की वैक्सीन हो, डजंट मैटर। सो क्या किसी भी वैक्सीन के कोई भी जानलेवा या कोई भी सीरियस साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? बिकॉज ये माइनर साइड इफेक्ट्स की बात तो करना भी नहीं चाहिए। माइनर साइड इफेक्ट्स तो सुई लगाने से भी दर्द होता है भाई साहब, है ना? तो सुई लगाने से भी दर्द होगा, सो वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट कि भाई हाँ बस सुई लगाने से जरा सा दर्द होगा, ओ मेरे को दर्द सहन नहीं हो सकता, सो आई विल नॉट वैक्सीनेट। सो द कंसर्न हियर इज नॉट अबाउट द सुई, कंसर्न हियर इज अबाउट सीरियस साइड इफेक्ट्स, एंड क्वाइट फ्रेंकली ये कंसर्न कई लोगों के मन में है। सो कई लोग चाहते हैं इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाएं, इसीलिए इस टॉपिक को हम ले रहे हैं। द इंटरनेट इज फुल ऑफ ब्रो साइंस, फेक नॉलेज, हाफ इंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा। योर क्वेस्ट ऑफ रिलायबल ऑथेंटिक हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड्स हियर। सो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन एंड यू नेवर हैव टू गो एनीवेयर एल्स एवर अगेन। डू यू नीड टू वरी अबाउट द साइड इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीन? सी लाइक हर मेडिकल ट्रीटमेंट इस दुनिया में, किसी भी प्रकार का मेडिकल ट्रीटमेंट आप ले लें, चाहे वो किसी भी पैथी का हो, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, नेचुरोपैथी हो, एलोपैथी हो, इफ इट इज़ अ ट्रीटमेंट, राइट, इफ इट इज़ नॉट अ रूटीन थिंग, रूटीन चीज़ जो होती है कि खाना पीना है, पानी है, एट्सेट्रा, रूटीन जो घर में सबको दे रहे हो, उससे अलग होता है तो वो ट्रीटमेंट होता है। इफ इट इज़ अ ट्रीटमेंट, इट कैन हैव पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स। हर एक का साइड इफेक्ट्स तो जरूरी नहीं है, कि पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स सब में होते हैं। सेम वे वैक्सीन्स का भी अपना एक साइड इफेक्ट्स होता है, बेनिफिट होता है, पोटेंशियल रिस्क होता है। नमक का भी साइड इफेक्ट है, पानी का भी साइड इफेक्ट है, चीनी का भी साइड इफेक्ट है, और बेनिफिट है, टेस्टी लगता है, खाना टेस्टी होता है, खाना अच्छे से पलाटेबल होता है, ज़्यादा खा पाते हैं, बच्चे खा लेते हैं, तो हम बच्चों के केस में यूज़ करते हैं। लेकिन वैक्सीन के केस में या दवा के केस में हमारा सवाल उठता है कि क्या इसकी ज़रूरत है, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स इसके बेनिफिट से ज़्यादा है, और अव्वल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या हम इसके कारण को समझते हैं कि ये इस्तेमाल करना ज़रूरी है या नहीं, राइट। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, और इसके लिए कई सारी लिटरेचर आपको मिलेगा इंटरनेट पे, यहाँ वहाँ, और कई सारे लिटरेचर वैक्सीन के खिलाफ भी मिलेंगे। कई सारे लोग होंगे जो वैक्सीन के तुरंत बरखिलाफ होंगे, सो पीपल हैव देयर ओपिनियन, बट आपको क्या है सुनना सबकी है, लेकिन दिमाग अपना लगाना है, राइट। सो बचपन से लोगों को वैक्सीनेट किया जाता है पूरी दुनिया में, चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन। बड़े होके भी अब वैक्सीन्स आ गई हैं, H1N1, स्वाइन फ्लू, अब अगले साल से COVID-19 की भी वैक्सीन आ जाएगी। अनफॉर्चुनेटली वैक्सीनेशन का मतलब मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब एक मीजल्स और MMR, रुबेला, इन सारी की वैक्सीन्स के ऊपर कई सारे आपको डाउट्स मिलेंगे। कई लोग ये बोलते हैं कि बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, MMR की वैक्सीन जो है वो छोटे बच्चों में ऑटिज़म जैसी बीमारी, सोचने समझने की क्षमता थोड़ी कम होती है उनकी, फिर दैट काइंड ऑफ मेंटल एबिलिटी थोड़ी कम हो जाना वाली बीमारी कर देती है। बहरहाल इसका कोई भी लॉजिकल सबूत या कोई रिसर्च प्रूफ नहीं है, और हज़ारों बार इस थ्योरी को पूरी दुनिया में डिबंक किया जा चुका है, ठीक है। सो आपको ये समझना है कि एक वैक्सीन जो है वो आपके लिए एक नेचुरल कीटाणु जो आपके अंदर जा सकता है वो वैसा ही है, बिल्कुल सेम, राइट। और पीपल जो डिस्कशन फोरम्स में ये बोलते हैं, शायद वो लॉजिकल चीज़ नहीं समझते हैं कि अगर आप वैक्सीन लेते हो
या अगर आप एक उसी बीमारी से ग्रसित हो जाते हो तो आपके शरीर में सेम चीज होगी, सेम रिएक्शन होगा आपके इम्यून सिस्टम का। फर्क इतना है कि इस बार आपके शरीर को एक कमजोर कीटाणु दिया गया है, मरा हुआ कीटाणु दिया गया है, मरा हुआ वायरस दिया गया है, कमजोर वायरस दिया गया है, अकेला वायरस दिया गया है कि उसको या तो कुछ नहीं होगा या तो माइनर इश्यू होगा। सो ये वो चीज हो गई कि एक एलियन आपके आपके दुनिया में एलियन है और आपके शहर में एक एलियन को छोड़ दिया जाता है, एक एलियन को छोड़ दिया जाता है कि भाई जाओ, और वो एलियन जो है फिर वो थोड़ा बहुत नुकसान कर सकता है या पकड़ा जाता है, फट से मार दिया जाता है और उसके ऊपर सब तैयार हो जाते हैं, भाई ये एलियन था, इसके पास ऐसे हथियार है, ऐसे है, तो हम इसके लिए तैयार हो जाए कि भाई इसकी बहुत सारी आर्मी भी आ सकती है, ना 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 की पूरी आर्मी आ जाए, उसके बाद हम बहुत ज्यादा मात्रा में नुकसान हो जाए। ये जरूरी नहीं है कि जब आर्मी आएगी, अगर ऐसा बहुत सारे एलियंस आते हैं तो आप मर ही जाओगे, कि बिना वैक्सीन के आप जिंदा ही नहीं रह सकते, ऐसा नहीं है, लेकिन आपके चांसेस बढ़ जाएंगे उस बीमारी को कंट्रोल करने में, उस बीमारी को फैलने से रोकने में, राइट। कई सारे लोगों की जाने जाती हैं ऐसे ही, जैसे COVID-19, मीजल्स और ऐसी बीमारियां अगर फैलती जाती हैं जो कि कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, किसी भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए वैक्सीन नहीं आती, राइट। डायबिटीज के लिए कोई वैक्सीन नहीं है, हाइपरटेंशन के लिए कोई वैक्सीन नहीं है, हार्ट अटैक के लिए कोई वैक्सीन नहीं है, राइट। ऐसी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के लिए, लाइफस्टाइल डिजीजेस के लिए कोई वैक्सीन नहीं है, कम्युनिकेबल वायरसेस बैक्टीरियाज के लिए वैक्सीन है, टाइफाइड के लिए वैक्सीन है, एचआईवी के लिए वैक्सीन, एचआईवी कर रहा हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीन है, आप हमारे जो इन्फ्लुएंजा है, H1N1 है, स्वाइन फ्लू है, उनके लिए वैक्सीन है, वायरसेस के लिए वैक्सीन बन सकती है, सो वैक्सीन है। लेकिन हाँ, उसके एलर्जिक रिएक्शन भी है, इसीलिए जब भी एक नई वैक्सीन बनती है, जैसे कि अब बन रही है, तो उसको समय लगता है, उसको कई कई बार दो दो तीन तीन साल लगते हैं टेस्टिंग, रीटेस्टिंग, रीटेस्टिंग, साइड इफेक्ट्स के लिए, उसके पोटेंशियल एफिकेसी के लिए, कि कितने में देने से फायदा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, साइड इफेक्ट्स है कि नहीं है, और फिर उसके ऐसे दसियों 15-20 वैक्सीन्स की टेस्टिंग होके एक वैक्सीन सिलेक्ट की जाती है कि भाई ये है जिसके कम से कम साइड इफेक्ट है, सबसे ज़्यादा एफिशियंस है, एफिशिएंसी है, तो इस पर्टिकुलर चीज़ को ही मास लेवल पे बना के लोगों को भेज दिया जाए, और फिर भी उस पर स्टडी चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। सो ये मॉडर्न मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन की बात नहीं है, ये बात है लॉजिक की। अगर आप लॉजिक समझ सकते हैं तो आपको समझना चाहिए, ठीक है। तो ये लॉजिक की बात है। अगर हम किसी डेटा वाइज की चीज देखेंगे, डेटा की बात देखेंगे, तो डेटा वाइज अगर एक बिना वैक्सीन की दुनिया और वैक्सीन की दुनिया को कंपेयर करेंगे, तो वैक्सीन वाली दुनिया में जो साइड इफेक्ट्स होने वाले कुछ परसेंट के लोग हैं, 1% ज्यादा से ज्यादा, 0.5%, 1% लोगों को कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, माइनर, लेकिन जो बिना वैक्सीन की दुनिया है उसमें 5-10% लोगों की जाने जाती हैं। उस केस में फिर हम कहते हैं भाई ये तो भगवान की मर्जी है, बीमार हो रहे हैं, डॉक्टर नहीं बचा पाए, डॉक्टर ने दवाई दे दी। सो हम अपने आप को साबित करने के लिए गलत चीज़ में चले जाते हैं, जबकि वैक्सीन कुछ और ही चीज़ कह रही है, राइट। सो द मोस्ट बिगेस्ट साइड इफेक्ट जो वैक्सीन से हो सकता है, किसी भी वैक्सीन से, दैट इज द एलर्जिक रिएक्शन। इट इज रेयर बट इट कैन हैपन टू एनीवन, इट्स रेयर फॉर एनीवन, लेकिन एक सीरियस एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है जो होता है विद इन अ मिनट, कुछ कुछ ही मिनटों के अंदर वैक्सीन लगाते ही। तो अगर आपको होना होगा तो कुछ ही मिनटों में हो जाएगा, जो को वैक्सीन बच्चा को लगाया, किसी को लगाया, तो डॉक्टर के सामने ही हो जाएगा, इसलिए डॉक्टर लगाता है वैक्सीन और कोई नहीं लगाता, समझे। सो कोरोना वायरस के लिए अभी वैक्सीन बनी नहीं है। वैक्सीन के अंदर होता क्या है, वैक्सीन के अंदर एक कोई बैक्टीरिया, वायरस या उसके बनाया हुआ कोई टॉक्सिन, उस चीज को या तो कमजोर करके, मार के, या डिटॉक्सिफाई करके, उसके डिस्ट्रॉय करके, कमजोर करके, फिर आपके शरीर में डाला जाता है, एक हेल्दी पर्सन के शरीर में, और आपके शरीर में डालने से पहले हजारों लोगों पे उस पर स्टडी करने के बाद, कंफर्म करने के बाद कि भाई ये सही सेफ है नहीं है, तब ये पब्लिकली दिया जाता है, वरना नहीं, ठीक है।
उसके साइड इफेक्ट्स और बेनिफिट्स वे करके। वैक्सीन के अंदर ये होता है। वैक्सीन कई बार अब याद रखिए कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं वैक्सीन के अंदर, और कई लोगों में वैक्सीन के अंदर जो दूसरे इंग्रेडिएंट होते हैं उसके लिए भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए एडजुवेंट है, कोई बाइंडिंग प्रोटीन है, एग प्रोटीन है, तो कई लोगों को उससे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, उससे रिएक्शन हो सकता है, ज़रूरी नहीं है वैक्सीन से। जैसे कई बार दवा से नहीं, दवा के कैप्सूल जिससे बना है, कई लोगों को कैप्सूल से एलर्जी हो सकती है, तो वो कैप्सूल खाया, वो कैप्सूल के अंदर जो दवा है उससे कुछ नहीं है लेकिन कैप्सूल से एलर्जी है, तो ये भी पॉसिबल है। जब आप साइंस समझेंगे तो आप समझेंगे कि ये छोटी बातें नहीं है, ये बड़ी बातें हैं। ये आपको आपको अगर आग बंद करेंगे नहीं ये इससे ही हुआ है तो ऐसे थोड़ी होता है ये बोल देने से। सो वैक्सीन इज वैक्सीन, राइट। एलर्जिक रिएक्शन है, उसके अलावा जहाँ सुई लगाएंगे वहाँ दर्द हो सकता है, बच्चों को कभी एक आध दिन के लिए बुखार आ सकता है। हमने ऑलरेडी बच्चों वाले केसेस में कई बार डिस्कस किया है, बच्चों के डॉक्टर हमेशा बताते ही हैं कि भाई बच्चे एक दो दिन क्रैंकी रह सकते हैं, दिक्कतें आ सकती है थोड़ी बहुत, बट दैट इज इम्पॉर्टेंट। वो मतलब है उसका कि इम्यूनिटी डेवलप हो रही है, राइट, दैट इज इम्पॉर्टेंट। वैक्सीन्स क्यों सेफ हैं, क्योंकि हजारों सालों से चला रहे हैं, ना सिर्फ हजारों सालों से, लाखों लोगों पर टेस्टिंग हो चुकी है, समझे। किसी एक पर्सन के कह देने पर वैक्सीन नहीं बन जाती कि हाँ भाई इसने बोल दिया, इस कंपनी ने बोल दिया, एक कंपनी के बेसिस पे नहीं बन जाती, राइट। और हर्ड इम्यूनिटी, इंसान को यह सोचना पड़ेगा, हर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है कि ज्यादातर लोग 70-80% लोग एक कम्युनिटी के या तो वैक्सीनेट हो जाए या इन्फेक्ट हो जाए। अब याद रखिए, वैक्सीनेट हो जाए तो मतलब एक कमज़ोर बैक्टीरिया, आप कमज़ोर वायरस आपके अंदर गया, आपने उसको हरा दिया, आपके अंदर इम्यूनिटी है, 80% लोगों को इम्यूनिटी है, तो वो वायरस उस कम्युनिटी में फैल ही नहीं पाएगा, तो जो कमज़ोर लोग हैं उस तक वायरस नहीं पहुंचेगा। और अगर इन्फेक्ट हो जाने वाली बात करेंगे हर्ड इम्यूनिटी के लिए, जो आज कोरोना वायरस के केस में कई लोग कहते हैं कि छोड़ दो, लॉकडाउन खोल दो, इन्फेक्ट हो जाने दो, सबको हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी, उस केस में ज़्यादातर लोग हैवीली बीमार हो जाएंगे। जो लोग हैवीली बीमार होंगे, चाहे वो 2% ही हों पूरे पॉपुलेशन के, 2% हैवी बीमार लोगों को मैनेज करना नामुमकिन हो जाएगा, इतनी हेल्थ केयर में सिस्टम ही नहीं है। सो इसलिए लॉकडाउन किया जा रहा है, जो आपको समझता है। सो वैक्सीन्स हैव साइड इफेक्ट्स, बट वैक्सीन्स आर मच लेस सीरियस देन अ डिजीज, एंड वैक्सीन इज गुड फॉर यू। वैक्सीन आपके लिए ज़रूरी है। वैक्सीन आपका इम्यून सिस्टम के बी सेल्स को स्टिमुलेट करके उसके लिए एंटीबॉडीज बनाते हैं, वायरसेस के लिए, बैक्टीरिया के इसके लिए, राइट। अगर हम 95% बच्चों को मीजल्स के लिए वैक्सीनेट कर देते हैं, सिर्फ 5% रुक भी जाएं, रह भी जाएं, तो मीजल्स जो है इरेडिकेट हो जाएगा। अगर पूरी दुनिया के अगर वैक्सीन बन गई मान लो COVID-19 कोरोना वायरस की, और पूरी दुनिया के 90% लोगों को वैक्सीनेट कर दिया, तो COVID-19 ख़त्म, उसके बाद कभी दिखेगा नहीं, वो जिंदगी में नहीं दिखेगा, एटलीस्ट जब तक अगर वो म्यूटेट ना हो, ठीक है। सो दैट इज देयर। सो अब ये अलग बात है कि इसमें कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी अपना फ़ायदा देखे, गवर्नमेंट को पैसे खिलाए, इसको पैसे खिलाए और वहाँ पर अपने धंधे शुरू करे और वो बहुत महंगा कर दे, ये अनैतिकता है, वहां पे गलत है। जो इतने करोड़ों रुपए, अरबों रुपए का डोनेशन आता है, ये वैक्सीन फ्री में बांटनी चाहिए। ये जरूर होना चाहिए कि वैक्सीनेशन ऑफ सच बीमारी एंड इम्पॉर्टेंट ऐसी जानलेवा कंडीशंस जो कि पूरी कंट्री के ऊपर दिक्कत दे सकती है, उसको फ्री रखना चाहिए। वो जरूर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसपे आपका, हमारा नहीं, गवर्नमेंट का जोर चलता है, आप हम तो बोल सकते हैं, ठीक है। सो वैक्सीनेशन इज इम्पॉर्टेंट। वैक्सीन नहीं करते हैं तो बीमारियां फैलती रहती हैं, ज़्यादा लोग बीमार होते हैं, ज़्यादा जाने जाती हैं, और वैक्सीन करते हैं तो कम लोग या बीमारियां जो है इरेडिकेट भी हो सकती है। सो प्रोटेक्ट करती है वैक्सीन आपके बच्चों को, आपको बीमारियों से, कम्युनिटी में फैलने नहीं देती हैं, सेफ्टी के लिए अच्छे से टेस्ट होने के बाद ही आपके पास पहुँचती हैं। कभी कभी माइल्ड साइड इफेक्ट कर सकती हैं थोड़ा बहुत, लेकिन अगर आप अपने सीरियस बीमारियों को हटाना चाहते हैं तो वैक्सीनेशन इज द ओनली चॉइस। वो ऑटिज्म नहीं करती, वो आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर नहीं करती। हर वैक्सीन हर एक में एलर्जिक रिएक्शन नहीं करती, रेयर है किसी किसी में, कद्दे में। और वैक्सीन में मर्क्यूरी भी नहीं होती, किसी प्रकार का कोई एलिमेंट इस तरह से नहीं डाला जाता है।
और वैक्सीन जो है बहुत छोटी अमाउंट की होती है, वो नॉर्मली हार्म नहीं करती। उनमें कभी कभी एग या जेलेटिन के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, वो लिखा होता है, फिर वो डॉक्टर को बताया जाता है कि आपको इस प्रकार की एलर्जीज के लिए तैयार रहना है और पेशेंट से पूछ के देना है। सो बहुत ही सोच समझ के बनाई जाती है ये सिस्टम। आपको सपोर्ट करना है, आपको समझना है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।